सेल्फ बिल जनरेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उपभोक्ताओं की समस्या थी कि सेल्फ बिल जनरेशन का जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि सेल्फ बिल जनरेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। अब बाकायदा हम आपको इस वीडियो में बिल भी सृजित करके दिखाने वाले हैं, सेल्फ बिल जनरेट करके दिखाने वाले हैं। सेल्फ बिल जनरेट करते समय कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, क्योंकि जब आप सेल्फ बिल जनरेशन करते हैं तो उस समय जो भी रीडिंग मांगी जाती है अगर उसमें आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे तो एक आपकी गलती की वजह से गलत बिल है जो आपकी अकाउंट पे जनरेट हो जाएगी, और फिर आपको जो है कि उस बिल को सुधरवाने के लिए SDO ऑफिस और कस्टमर केयर का जो भाग दौड़ है, परेशानी है, जो झेलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें, जो अस्पष्टता है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, जो भी परेशानी है डाउट से वो क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ बिल जनरेशन करते समय कौन सी बातों को ध्यान में भी यहाँ पे रखना है। क्योंकि सेल्फ बिल जनरेशन अभी आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी अभी यहाँ पे पोर्टल पे शुरू नहीं हुई है, एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी उपभोक्ता हैं जिनकी जो सेल्फ बिल जनरेशन की जो सुविधा है वो ओपन हो गई है। तो हमारे पे भी अभी ओपन हो चुकी है, और साथ ही हम कई उपभोक्ताओं की यहाँ पे चेक किए हैं तो उनकी भी सेल्फ बिल जनरेशन का जो पोर्टल है वो ओपन यहाँ पे हो चुका है। तो आई थिंक आपका भी जो अकाउंट है वो इस प्रकार से गूगल पे UP बिल सर्च करेंगे, जिस प्रकार से पहले साइड पर मैंने क्लिक करके इस पोर्टल पर आया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आ जाना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभी तक आप क्रिएट नहीं किया है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियोज बनाई जा चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वहां से जाकर के आपको सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की जो ऑफिशियली साइट है, यानी कि अभी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी अकाउंट नंबर और जो उपभोक्ता नेम है उसके द्वारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी लगेगा, उसके द्वारा अपनी एक जो है कि यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी है, अपनी अकाउंट एक क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद सारी डिटेल्स जब आपकी इस प्रकार से शो करने लगे तो उसके बाद आपको सेल्फ बिल जनरेशन यहाँ पे करना है। सेल्फ बिल जनरेशन करते समय एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी पेड होनी चाहिए, यानी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो यहाँ पे जीरो रहनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो नहीं रहेगी सेल्फ बिल जनरेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो आप बिजली बिल सृजित खुद से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगर कोई पेंडिंग अमाउंट पड़ी हुई है आपके अकाउंट पर तो उसको सबसे पहले आप पेमेंट कर दें, उसके बाद जो है कि आप नेक्स्ट बिल सृजित करने के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए जो यहाँ पर माई अकाउंट के बगल में आपकी बिल इंफॉर्मेशन का जो पोर्टल है वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको करनी क्या है कि इसी पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है। बिल इंफॉर्मेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारी डिटेल्स आपको शो होगी, जैसे बिल समरी, व्यू बिल, बिल ऑन ईमेल, पे बिल और भी ऑनलाइन पेमेंट, सारी यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर शो होगी। तो हमको यहाँ पर सेल्फ बिल जनरेशन करना है तो सबसे पहले आपको सेल्फ बिल जनरेशन वाले पोर्टल पर यहाँ पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सेल्फ बिल जनरेशन वाले पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे मांगा जाएगा, तो आपको लॉगिन हो जाना है। अपनी डिस्कम यहाँ पे सबसे पहले चॉइस करनी है, पूर्वांचल है तो पूर्वांचल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मध्यांचल है तो मध्यांचल सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी अकाउंट नंबर और एक पासवर्ड अपनी यहाँ पर क्रिएट कर देनी है। उसके बाद जो कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे फिर से आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, फिर से बिल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो ये सेल्फ बिल जनरेशन का जो पोर्टल है वो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, और नीचे यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिखाते हुए नीचे यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेशन के नीचे यहाँ पे शो होगा, प्लीज़ चेक इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर सेल्फ बिल जनरेशन। काफ़ी ज़्यादा उपभोक्ता यहाँ पे आते थे और यहाँ पे जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते थे तो उनको यहाँ पे देता था कि यू आर नॉट एलिजिबल, प्लीज़ कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर, ऐसा कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उनको शो होता था। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा उपभोक्ताओं की यह समस्या दूर हो चुकी है, सेल्फ बिल जनरेशन की जो पोर्टल है वो ओपन हो चुकी है। जैसे ही देखिए आप चेक एलिजिबिलिटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पोर्टल यहाँ पर ओपन होगा, और सेल्फ बिल जनरेशन की जो भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे कि कैसे आपको बिजली बिल यहाँ पे बनाना है। तो यहीं पे आपको मोस्टली यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे काफ़ी ज़्यादा जो उपभोक्ता है वो गलती कर रहे हैं और उनकी वजह से वो खुद परेशानी में पड़ रहे हैं। क्योंकि गलत रीडिंग आप यहाँ पे यदि दर्ज कर देते हैं और आपकी बिजली बिल गलत यहाँ पे बन जाती है तो फिर आपको इधर उधर भागना दौड़ना पड़ेगा अपनी बिजली बिल सुधरवाने के लिए, तो वो चीज़ की परेशानी ना हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी इस समय आपको बता दें
कि जो भी उपभोक्ता हैं UPPCL के, उनकी बिल से संबंधित काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पे आ रही है। बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, गलत रीडिंग अपलोड हो जा रही है, यूनिट उनके मीटर में कम यहाँ पे शो हो रही है लेकिन ज़्यादा यूनिट की बिजली बिल यहाँ पे उनकी आ जा रही है। तो अभी जो UPPCL के उपभोक्ता हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी समस्या उनकी इस समय हो रही है अपने बिल संबंधित, तो उसके लिए जिनकी अभी तो ठीक है यानी कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है अभी सेल बिल जनरेशन के लिए, अगर यह ऐसा पोर्टल ओपन होता है एलिजिबल हैं तो आपको थोड़ी सी पारदर्शिता यहाँ पर रखनी चाहिए क्योंकि आगे आपको परेशानी जो है ना हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए मीटर रीडिंग है सबसे पहले, तो मीटर रीडिंग में आपको क्या यहाँ पे डालना है, जो प्रेजेंट रीडिंग है वो। तो प्रेजेंट रीडिंग आप कैसे देखेंगे मीटर में, बहुत सारे उपभोक्ता जो मीटर चेक करते हैं तो उस समय उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी वर्तमान रीडिंग है और कौन सी यहाँ पे डिमांडिंग रीडिंग, यहाँ पे डिमांड रीडिंग में कौन सी जो यहाँ पे शो हो रहा है वहाँ पे रीडिंग कौन सी दर्ज करनी है, कमेंट बॉक्स में क्या आपकी लिखनी है यहाँ पे, उसके बाद फिर सबमिट। तो अभी उनको जो है कि मीटर सबसे पहले चेक करना सीखना होगा, तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको जो है कि मैंने एक मीटर रिकॉर्डिंग की है तो मीटर रिकॉर्डिंग आपको शो हो रहा है वहाँ पे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी तो आपकी लाइव वहाँ पे चलती है क्योंकि डिजिटल मीटर है तो वो लाइव आपकी चलती है वहाँ पे, सारी जो डिटेल्स है वो बैक टू बैक वहाँ पे शो होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी लाइट्स कटी हुई होती है, तो वहाँ पे ब्लैक कलर का एक जो बटन होता है उसको आप जो कि प्रेस करके अपनी जो डिटेल्स है वो बैक टू बैक जितना प्रेस करेंगे उतनी डिटेल्स आपको शो होगी। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको प्रेस अगर आप करेंगे, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और फिर भी आप सोचते हैं कि अपनी रीडिंग चेक करके हम बिजली बिल खुद से अपनी सेल बिल जनरेट कर लें, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको KWH भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे ही KWH पे और नीचे रीडिंग जो भी नंबर आपको शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है, यानी वो आपकी वर्तमान रीडिंग है, वो आपकी प्रेजेंट रीडिंग है। उसी रीडिंग को कहाँ आपको दर्ज करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में जो यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे आपको वर्तमान रीडिंग दर्ज करनी है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आप गलत रीडिंग दर्ज करके बिजली बिल की जो आपकी समस्या है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपकी जो वर्तमान रीडिंग है KWH में शो होगा जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे, अगर नहीं होता है तो एक दो बार और प्रेस करेंगे तो वहाँ पे KWH और नीचे जो नंबर शो हो रहा है आपकी वो नंबर सिंपली यहाँ पे दर्ज कर देनी है जितने भी अंक की है। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाले की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी करनी क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे ही उसके आगे जस्ट आप प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे KWH, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा KWH यानी किलोवाट, यानी जैसे डिमांडिंग अगर रीडिंग की बात करें हम तो अपनी मीटर में आप ध्यान देते होंगे कि जब भी आपका मीटर यहाँ पे लगाया गया होगा, चाहे आपकी कनेक्शन की जो रसीद है, जो बिल रिसिप्ट है, या फिर जो आपकी बिलिंग जो डिटेल्स जहाँ पे शो होती है वहाँ पे आपका सेक्शन जो लोड है वो भी यहाँ पे दिखाता होगा कि आपकी जो घर में कंजप्शन से लोड है वो कितना दिया गया है विद्युत विभाग वालों के तरफ से। तो यहाँ पे 1 किलोवाट है आपका, 2 किलोवाट है, वो चीज़ मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो आपको यदि 2 किलोवाट है आपका तो वहाँ पे आपकी जो डिमांडिंग रीडिंग है वो आपके मीटर में शो होगी KWH करके, KWH 0.00 पॉइंट, उसके बाद नंबरिंग होगी कुछ। अगर आपने 1 किलोवाट भी कंजप्शन नहीं किया है तो पॉइंट के बाद आपकी कुछ दिखाएगी, तो यहाँ पे क्या करना है कि 0 पॉइंट यहाँ पे उसके बाद आपकी नंबर यहाँ पे शो यहाँ पे कर देनी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 2 किलोवाट का यहाँ पे कनेक्शन है और हमने मीटर चेक किया तो प्रेजेंट रीडिंग भी यहाँ पे जो है कि हम अपना दर्ज कर देते हैं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट रीडिंग। और डिमांडिंग रीडिंग पे आपको क्या करनी है कि चेक करनी है, जैसे ही इसके जस्ट बाद भी बहुत सारे मीटर में कि KWH के बाद किलोवाट दिखाता है वही आपकी डिमांडिंग रीडिंग होती है। तो और यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऐसे आपको शो होगी अगर आपने 1 किलोवाट भी कंजप्शन नहीं किया है लेकिन आपका 2 किलोवाट का लोड यहाँ पे है पहले से ही, तो आप यहाँ पे 0 पॉइंट जो भी है आपका, जैसे मान लीजिए कि 500 आपने कंजप्शंस किया है या यहाँ पे आपने जो है कि 900 यहाँ पे कंजप्शंस किया है, तो आपको ऐसा करके यहाँ पे लिख देनी है। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर यहाँ पे आप अपनी बिल यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल बिल जनरेट ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे आपको सिंपली क्या करनी है कि सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक मैसेज आपको शो होगा कि थैंक यू फॉर ऐसे कुछ होगा, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन शो होगा कि 24 आवर्स के बाद यानी
आपकी जो है कि 24 घंटे के बाद आपकी जो बिजली बिल है, जो आपने सेल बिल जनरेट किया है, अपनी रीडिंग के अनुसार आपकी जो रसीद है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक ड्यू डेट दी जाएगी कि इस ड्यू डेट से पहले यदि आप जमा करते हैं तो आपको 2-4 रुपये की छूट हो जाएगी, और उसके बाद फिर इस ड्यू डेट के बाद आप करते हैं तो 2-4 रुपये बढ़ जाएंगी। और उसके बाद एक डिसकनेक्शन डेट भी होगा, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि डिसकनेक्शन डेट के बाद आप बिजली बिल यहाँ पर आपका बकाया राशि में चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप सेल बिल जनरेट करते हैं तो पेमेंट के लेकर भी उतना भी आप सीरियस रहिए यहाँ पे कि ड्यू डेट से पहले हम पेमेंट कर दें, ताकि कोई भी हमारे अकाउंट पे, बिजली बिल अकाउंट पे आपकी जो बकाया राशि है वो यहाँ पे शो ना हो, आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो शो ना हो, हमारी पहले से ही यहाँ पे जो बिल है वो क्लियर रहे। और प्रत्येक बिल की जो आपने पेमेंट कर रहे हैं, चाहे सेल बिल जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी जो रसीद है, जो डिटेल्स है, जो रेसिप्ट है, जो PDF है, जो वो यहाँ पे सृजित होती है, उसको भी आपको डाउनलोड यहाँ पे कर लेनी है। जैसे ही आपकी बिल बन जाएगी तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आपको करना क्या है कि आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल्स शो हो रही है उसको यहाँ पे प्रिंट करके रखवा लेनी है, ताकि भविष्य में अगर कोई भी ऐसा आपको दिखाना पड़े SDO को चाहे आगे, तो आप उसको दिखा पाएँ, तो आपको जो है कि अपनी प्रूफ के तौर पर यहाँ पे रख लेनी है। बाकी जो भी उपभोक्ता की यहाँ पे सेल बिल से संबंधित समस्या थी कि सेल बिल जनरेट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, उसका पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहा है, तो आपको हम बता देते हैं कि बहुत से अभी उपभोक्ताओं की जो सेल बिल जनरेशन का पोर्टल है वो ओपन होना शुरू हो चुका है। कुछ साइट में भी प्रॉब्लम यहाँ पे अभी चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दें कि सेल बिल जनरेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है। मीटर रीडिंग आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, डिमांडिंग रीडिंग कैसे आपको चेक करनी है वो भी मैंने बता दिया, और यहाँ पे फाइनली आप जो है कि इस प्रकार से अपनी जो बिजली बिल है वो सृजित कर सकते हैं। थोड़ा सा पारदर्शिता रखिएगा रीडिंग डालते समय, क्योंकि यहाँ पे बताया भी गया है कि इफ़ बैलेंस हाई रीडिंग इज़ फाउंड द सेम सेल बी चार्ज एट 3 टाइम द नॉर्मल रेट्स। यानी आपने जो रीडिंग यहाँ पे दर्ज की है और उस रीडिंग में और जो आपकी बिजली बिल जो आपकी मीटर लगा है, अगर बाय द वे अगर चेकिंग आती है आपके घर पे, तो अगर आप सेल बिल जनरेट किए हैं उस रसीद को देखा जाएगा और जो आपकी मीटर रीडिंग है उसको देखा जाएगा। अगर उसमें भिन्नता पाई जाती है तो उस समय आपकी जो भी बिजली बिल बनी है उससे 3 गुना आपसे वसूला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी उपभोक्ता सेल बिल जनरेट कर रहे हैं तो थोड़ी सी पारदर्शिता रखिएगा, एक्चुअली रीडिंग जो है आपकी मीटर के अनुसार ही यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। उस रीडिंग में कोई घटाना बढ़ाना जैसी आपने जो अगर सोचा है तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे सुविधा दी जा रही है सेल बिल जनरेशन करने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पे ऑनेस्टली यहाँ पे अपनी रीडिंग दर्ज करके अपने बिजली बिल सृजित कीजिएगा। वरना अभी UPPCL के जितने उपभोक्ता हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी से अपनी अभी जूझ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, मीटर रीडिंग यूनिट गलत दर्ज हो जा रहा है यहाँ पे, इस वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा समस्या बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग अपनी सेल बिल जनरेशन के लेकर के खास करके रूरल ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं परेशान हो रहे थे, तो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा उनको जो कि हेल्प मिला होगा और वो सेल बिल जनरेशन आई होप कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो भी बिजली बिल से संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पे वीडियो हम बनाएं तो आप सभी तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।